बैनी अमरपुर नणुंद के अंदर जो घटना हुई थी, कैंची मार कर जो हत्या की गई थी, उसके चारों दोषी आप जो तस्वीरों में देख रहे हो, ये वो चारों दोषी है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या रहा इन लोगों ने, जैसे ये अपने छोटे बच्चे को छोड़कर स्कूल वैन में छोड़कर आ रहा था, तो तीन व्यक्तियों ने इसको पकड़ लिया और एक व्यक्ति ने इसकी छाती में कैंची घोप कर इसकी हत्या कर दी। झगड़ा इनका था, कोई गोबर के उपले थापने के ऊपर ये घटना हुई थी। सर नालंदा क्षेत्र में 15 दिन में ये तीसरा मर्डर है, तो एक ब्लाइंड डबल मर्डर हुआ है, एक ये हुआ, क्या इसकी गुत्थी सुलझ गई है क्या? कल ये हुआ सुबह, अगले दिन मर्डर, ये कल दिनांक 29/11/2024 को करीब सुबह 7:30 बजे गांव बैणी अमीरपुर में बलबीर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिस पर बलबीर के पुत्र साधुराम के बयान के आधार पर मुकदमा नंबर 463 भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा अंकित किया गया और उसमें जो नामजद आरोपी थे, चार आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सर मोडस ऑपरेंडी क्या रहा इन लोगों ने, जैसे ये अपने छोटे बच्चे को छोड़कर स्कूल वैन में छोड़कर आ रहा था, तो तीन व्यक्तियों ने इसको पकड़ लिया और एक व्यक्ति ने इसकी छाती में कैंची घोप कर इसकी हत्या कर दी। एज क्या है? एज करीब इसकी 50-55 साल की उम्र। क्या रंजिशन मामला है या क्या? इनकी आपस में करीब 5-6 महीने पहले कोई आपसी रंजिश खास होनी हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी हत्या कर दी गई। क्या बिल्कुल एडजेसेंट पड़ोसी है क्या? हाँ दोनों पड़ोसी। इन चारों के नाम क्या? इन चारों के नाम है सुल्तान है, कृष्ण है, अमित है और योगेश। चारों एक गांव के? हाँ चारों एक ही गांव के। योगेश है वो इनका भांजा था, वो दूसरे गांव का रहने वाला है, ढोला गांव का। कोई कोई ऐसी स्ट्री नहीं है, कभी किसी की वारदात में ना ऐसी कोई वारदात सामने पीछे की कोई आई नहीं है। तो झगड़ा किस बात को लेके था? झगड़ा इनका था, कोई गोबर के उपले थापने के ऊपर ये घटना हो गई थी। इतनी छोटी बात पे मर्डर हो गया? बस आपसे कहा सुनी में तकरार हुई, उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। कैची घोप के की? हाँ कैची घोप के हत्या की। हाँ जी नहीं, ये इनको ये फरार होने की तलाश में थे, इनको बुढ़ाना मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। बुढ़ाना मोड़ से? जी। आज पेश करेंगे? जी आज पेश करेंगे, कोर्ट में पेश करेंगे। आईपीसी की पुरानी धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया? नहीं नहीं, भारतीय न्याय संहिता की जो नई धारा, पुरानी धारा जो जी 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 कन्वर्ट होगी। जी 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 ठीक है।